गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एंड गोइंग टू टीच यू हिंदी। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा हिंदी ग्रामर का 12 लेसन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमने क्लास में भी किया है, लेकिन ये हमारे एग्जाम में नहीं आया है, तो इसलिए मैं इसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो क्या लिखा हुआ है, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। ये क्या दिखाई हुई है, एक इमारत दिखाई हुई है। यह इमारत पुराने जमाने की है, यह इमारत प्राचीन है। देखो वाक्य तो दोनों बने हुए हैं, यह इमारत पुराने जमाने की है, ये भी ठीक है, यह इमारत प्राचीन है। लेकिन देखो इसमें कितने शब्दों का यूज हुआ है और इसमें कितने शब्दों का यूज हुआ, तो हम इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या अर्थ होता है कि हमारे जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, तो वो कई शब्दों की जगह एक शब्द से भी हमारा काम चल सकता है। अगर हम पुराने ज़माने की बोलेंगे और उसको फिर प्राचीन बोलेंगे, तो बात तो एक ही है, प्राचीन भी क्या होता है, पुरानी। तो इसको हम थोड़े शब्दों में भी पूरी बात कही जाती है। तो ये देखो, जैसे भावेश पढ़ना लिखना जानता है, और एक बोला हमने भावेश साक्षर है, मतलब दोनों का क्या है, एक ही है। लेकिन अर्थ क्या, दोनों का एक ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें देखो कितने शब्द यूज किए हैं, भावेश पढ़ना लिखना जानता है, और एक हमने सीधा बोल दिया भावेश साक्षर है, मतलब तो दोनों बातों का एक ही है, लेकिन ये क्या हुआ कि थोड़े शब्दों में ही हमारा काम चल गया। तो यही होते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है जिससे कि पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बच्चों तुमने देखा कि दोनों चित्रों के साथ दो दो वाक्य लिखे हुए हैं। पहले वाक्य में बात को कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, और दूसरे वाक्य में वही बात कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कही गई है। यानी वही बात मैंने आपको पहले बताई है कि पहले वाक्य में क्या है, बहुत सारे शब्द हैं, वाक्य सही है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, लेकिन जो हमारे नीचे वाले वाक्य बने हुए हैं ये क्या है, ये थोड़े शब्दों से और प्रभावशाली, बोलने में भी और सुनने में भी अच्छे लगते हैं। एक हमने बोला कि यह है इमारत पुराने ज़माने की है, और एक हमने बोल दिया यह है इमारत प्राचीन है। देखो इसमें बोलने में भी अच्छा लगा और सुनने में भी अच्छा लगा, तो ये हमारा जो वाक्य है कम शब्दों में क्या हो गया, प्रभावशाली हो गया, यानी कि बोलने में भी अच्छा लगा और सुनने में भी अच्छा लगा। अपनी बात को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि यही है कि हम अनेक शब्दों की बजाय एक ही शब्द से एक अच्छा वाक्य बना देते हैं। आइए ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानें। यस बेटा, तो देखो अनेक शब्द क्या है, जो ईश्वर को मानता हो उसे हम क्या बोलते हैं, आस्तिक। अब किसी ने बोल दिया कि वह आस्तिक है, हमें पता लग गया कि वो किसकी बात कर रहा है, कि वो भगवान को मानता है, जो ईश्वर को मानता है। तो अगर उसने बोल दिया आस्तिक है, तो हम ये बात समझ जाते हैं, और एक पूरा वर्ड बोले कि वह ईश्वर को मानता है, कि जो ईश्वर को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं, आस्तिक। अगर उसने बोल दिया कि वह आस्तिक है, तो हम समझ गए कि वो ईश्वर को मानता है। जो ईश्वर को न मानता हो वो क्या होता है, नास्तिक। क्या होता है, नास्तिक। मीठा बोलने वाला, जो मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं, मृदुभाषी। हमें किसी ने बोला कि वह तो बहुत मृदुभाषी है, तो हम क्या, अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, और जिसे जो मीठा बोलता है उसे क्या बोलते हैं, मृदुभाषी बोलते हैं, तो अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान है, तो किसी ने हमारे पास बोला कि वह मृदुभाषी है, तो हम समझ गए कि वो क्या है, मीठा बोलने वाला है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं वो क्या होती है, पाठशाला होती है। तो किसी ने बोला वह पाठशाला जा रहा है, तो आप क्या समझोगे कि जहाँ हम पढ़ने जाते हैं कि वो क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है।
अगर हमें इनका पता होगा तो हम एक छोटे से वाक्य में ही पूरी बात समझ जाते हैं। फाई हमारा व्यापार करने वाला व्यापारी, कि कोई भी है अगर कोई किसी चीज़ का व्यापार कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति क्या है, व्यापारी है। यस स्टूडेंट्स, तो आज आप इसी पेज को अच्छे से रीड करेंगे और जो ये फाइव हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इनको आप अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से राइट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।